सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह, तो तुसीं देख रहे हो लीगल हैक्स कैनेडा। अज का वीडियो अपना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो दे विच मैं दसूँगा कि कड़े ओह सिग्नल्स है जो कि कैनेडा गवर्नमेंट भेज रही है पूरे वर्ल्ड नूं इह प्रूव करन वास्ते कि ओह एफर्ट्स कर रही है आपदे कि आपदा जो भी सिचुएशन है COVID-19 लैके ओह न्यूट्रलाइज हो सके ते कैनेडा इमीग्रेशन एक तरीके तों वापस ट्रैक ते आ जावे। सो इस वीडियो दे विच मैं गल करन जा रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रति, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए कैनेडा गवर्नमेंट के कड़े जो एफर्ट्स है जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि कैनेडा गवर्नमेंट चाहती है कि इतने इमीग्रेशन हो, बच्चे आन नवे आन। सो इन इस वीडियो दे विच मैं जो पॉइंट्स कवर करूँगा उन्होंने मैं चार पॉइंट्स विच ब्रेक किया हुआ है, चार पॉइंट्स के डिवाइड किया हुआ है। सो पहला पॉइंट जो अपना आता है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन मूव इन टू कैनेडा। जेडे नवे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिन्हों को स्टडी परमिट March 18, 2020 तो पहला का या March 18, 2020 का है, जिन्हों के प्रोग्राम्स मई या जून के स्टार्ट हो जा रहे हजे भी कैनेडा के मूव हो सकते हैं। ये तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ, तुम उपर आई बटन से जो सुजैसटिड वीडियोज़ आते उन्होंने क्लिक करके देख सकते हो। बट हैविंग सैड दैट कि उन्होंने जा तो हो सकते, बट की उन्होंने वाकई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरी रेकमेंडेशन की है, ये भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उपर आई बटन से क्लिक करके तुम सुजैसटिड वीडियोज़ चो भी देख सकते हो। ये तो अपना पहला पॉइंट आ गया, ठीक है वो जा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो आता वह है ऑनलाइन स्टडी का, कैनेडा गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो आपका सिलेबस ऑनलाइन भी कवर कर सकते हैं। सो मेरे वास्ते ये भी एक बहुत वधिया गुड न्यूज़ है कि तुम चाहे जे तुसीं नहीं कैनेडा जाना चाहते, तुसीं आपदे नेटिव कंट्री आपदे होम कंट्री विच रह के भी तुसीं ऑनलाइन स्टडी कवर कर सकते हो। सो तुहानूं परमिशन है उस चीज़ की। थर्ड जिहड़ा पॉइंट आउंदा वो है कि ठीक है आपां ऑनलाइन स्टडी कवर कर ली, कि वह PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करूगी या नहीं करूगी। सो इहदा आंसर भी डेफिनेटली यस है, तुसीं जिन्नी भी स्टडी कवर करोगे वह सारी की सारी तुहाडी PGWP दे विच काउंट होगी। बट कंडीशन यह है कि तुसीं जो थोड़ा सिनेरियो है, जो थोड़ी स्टडी है, यह जस्टिफाई करनी होनी चाहिए है कि तुसी इन रिस्पोंस टू COVID-19 आपकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन कवर की। यह स्पेशली गवर्नमेंट ने मैंशन किया कि थोड़ा वह जो भी ऑनलाइन स्टडी है ये प्रूव करती होनी चाहिए कि इन रिस्पोंस टू COVID-19 तुसी आपकी जो स्टडी ऑनलाइन कवर की है। फोर्थ पॉइंट होंगे अपना कि किन्नी कवर कर सकते हैं स्टडी। कैनेडा गवर्नमेंट ने यह क्लीयरली मैंशन किया हुआ जी आपकी न्यूज़ के कि कैनेडा के जो भी बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैगे है आपके नेटिव कंट्री के होम कंट्री के कवर कर रहे आपका सिलेबस, वो अप टू हाफ ऑफ द प्रोग्राम आपका कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप जिमें कि जानते हैं कि कोरोना वायरस सारे पासे फैलिया हुआ, उत्थे भी लॉकडाउन है, इतने भी इंडिया में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो किसी को भी नहीं पता कि कितनी देर तक चलू। सो इन दैट केस तुसी अप टू हाफ ऑफ योर प्रोग्राम तुसी आपके होम कंट्री में कवर कर सकते हो। तो सारे उम्मीद तो यही करते हैं, प्रे यही करते, आपू सारे प्रे करनी चाहिए भी है कि अपनी जो सिचुएशन वो नॉर्मलाइज हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए। इन केस लॉकडाउन जो लंबा चलता है तो तुम अप टू हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर सकते हो। यह तो रह गए जी कि कैनेडा गवर्नमेंट के किड़े एफर्ट्स है, किड़े उन्होंने स्टैप्स है जो ये चीज़ प्रूव करते हैं। सो यह जी अपना वीडियो कि मैं क्यों ये चीज़ लगती कैनेडा गवर्नमेंट बहुत चंगे सिग्नल्स भेज रही है इमीग्रेशन लैके। वीडियो देखने लाई थैंक यू एंड टेक केयर।